पैसा बैम्बू एरोप्लेन यात्रा। एक गांव में पायलट बाबू कहकर एक आदमी रहा करता था। वास्तव में वो एक पायलट ही था, लेकिन एक बार एरोप्लेन हादसा होने के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी, जिस कारण उसका दिमाग बच्चा हो गया था। एक बार की बात है, पायलट बाबू कागज की एरोप्लेन बनाकर उसे उड़ा रहा होता है। ये, ये, मेरी एरोप्लेन उड़ने लगी। माँ देखो ना, मेरी एरोप्लेन कैसे उड़ रही है। हाँ बेटा, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी एरोप्लेन। बस ना जाने कब तू फिर से पहले की तरह रियल में एरोप्लेन उड़ाएगा। पहले की तरह मतलब? मैंने तो अभी एरोप्लेन उड़ाना शुरू ही किया है। माँ देखना, मैं ना एक दिन सच में आसमान में एरोप्लेन उड़ाकर गांव वालों को उसकी सैर कराऊंगा। तभी पायलट बाबू की बच्चों वाली बातें सुनकर उसकी माँ रुआसी हो जाती है। हे भगवान, कब तू मेरे बेटे को पहले की तरह सद्बुद्धि देगा। बच्चा खिलाने की उम्र में उसे ही बच्चा बना दिया है तूने तो। वहीं पायलट बाबू कागज की एरोप्लेन उड़ाते हुए गांव में घूमने लगता है कि तभी उसे आसमान में असली एरोप्लेन उड़ते हुए दिखती है, जिसे देखकर वो घर जाकर माँ से असली एरोप्लेन उड़ाने की जिद करने लगता है। माँ पापा को कहकर मुझे एक एरोप्लेन दिलवा दो ना, मुझे असली एरोप्लेन चलानी है। ये कागज वाली को उड़ाना पड़ता है, मुझे एरोप्लेन में बैठकर सबको घुमाना है माँ। हाँ बेटा, तू जरूर घुमाएगा, लेकिन अभी तू छोटा है। गांव वाले कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ और वो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। अब तो मैं कुछ नहीं जानता, अब बस मुझे एरोप्लेन चलानी है बस। बेटा तू बड़ा हो गया है, लेकिन दिमाग से अभी बच्चा है। तू एरोप्लेन नहीं चलाएगा, वही अच्छा है। फिर पायलट बाबू वहां से चला जाता है। तभी वो आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन की तरफ देखने लगता है और उसे देखते देखते अचानक से पायलट बाबू की याददाश्त वापस आ जाती है। अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर पायलट बाबू सोनपुर के घने जंगलों से बैम्बू लेकर आता है और उसकी एक एरोप्लेन तैयार करता है। फिर पायलट बाबू गांव में आकर, आओ आओ बाम्बू विमान की सवारी करो, मैं घुमाऊंगा सारा गांव, वो भी मुफ्त में। अरे चलो, मुफ्त में विमान की यात्रा करके आते हैं। अरे पागल हो गया है क्या? ये पायलट बाबू भले ही पायलट है, लेकिन अब पागल हो गया है। अगर प्लेन क्रैश हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। इस तरह सभी वहां तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि तभी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और देखो ये बाम्बू एरोप्लेन मैंने अपने हाथों से तैयार की है, और मैंने इसमें एक ऐसी टेक्निक का यूज किया है कि जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये एरोप्लेन अपने आप मुझे पैसे देगी। अरे ये कैसे मुमकिन है? हाँ हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह सभी पायलट बाबू की बात पर भरोसा ही नहीं करते हैं। यकीन नहीं आता तो खुद ही एरोप्लेन में बैठकर देख लो। फिर सभी पायलट बाबू की पैसा बम्बू एरोप्लेन पर बैठते हैं और सभी आसमान में सैर करने लगते हैं कि तभी अपने आप एरोप्लेन के ऊपर पैसे आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं जमीन पर उतरने के बाद, क्यों अब यकीन हो गया ना मेरी बात पर? हाँ हाँ पायलट बाबू, हमें आप पर कोई शक नहीं था। वैसे आप ठीक कैसे हुए और इस एरोप्लेन के पीछे का राज क्या है? एक दिन अचानक से आसमान में उड़ रही एरोप्लेन को देखकर मुझे अपने पिछले जीवन के बारे में याद आ गया, और साथ में वो मंत्र भी याद आ गया जो एक बाबा जी ने मुझे एक्सीडेंट के पहले दिया था, और उसी की मदद से मैंने ये एरोप्लेन तैयार की। फिर सभी पायलट बाबू की प्रशंसा करते हैं और फिर पायलट बाबू रिटर्न से काम पर जाने के बदले गांव में ही पैसा बैम्बू एरोप्लेन चलाकर पैसे कमाकर गांव वालों की सेवा करने लगता है।